हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डिज्नी और मार्वल की टॉप 5 अपकमिंग टीवी सीरीज से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जिसमें कि कुछ तो रूमर्स हैं, कुछ टाइमलाइन के अपडेट्स हैं और कुछ तो कंफर्मेशन के साथ हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन कार्टर के अपडेट के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज में लाइव एक्शन वर्जन देखने के बाद लिटरली मजा आ गया, और अब रूमर ये आ रहे हैं कि इसके ऊपर एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज अलग से बन सकती है। जी हाँ, और सितंबर के महीने में ऑफिशियली डिज्नी एक्सपो होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज का जो रूमर है ये कंफर्म हो जाए और हमें इसका लाइव एक्शन फ्यूचर में वर्जन देखने को मिले। और इसी के साथ आप बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि काफी कमाल का है। तो आप सभी जानते हो कि काफी टाइम से नोवा से रिलेटेड अपडेट चल रहा है कि नोवा के ऊपर कुछ बनेगा, और अब रूमर ये तगड़ा आ रहा है कि इसके ऊपर भी एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज बनेगी, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ जब से ये अपडेट आया है। उसी के साथ आप बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि है डेडेविल से रिलेटेड। तो डेडेविल की ऑफिशियली टीवी सीरीज कंफर्म हो चुकी है कि हाँ बनेगी, पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये एक रिबूट वर्जन होगा या फिर ये जो 3 सीजन पहले से आ चुके हैं ये उसको कंटिन्यूस करेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जेसिका जोन्स या फिर आयरन फिश है और भी जितनी मार्वल की और नेटफ्लिक्स की सीरीज कोलेबरेट हैं, वो सबको इनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर ये डेडेविल के ऊपर टीवी सीरीज बनाते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई पुराने कैरेक्टर को वापस लाया जाए और एक नया टीवी यूनिवर्स खड़ा करा जाए इनके लिए। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए बात करते हैं अब फोर्थ अपडेट के बारे में, जो कि है शी हल्क से रिलेटेड। तो फाइनली शी हल्क की रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है, जो कि है 17 अगस्त। 17 अगस्त को हमें शी हल्क देखने को मिलेगी, और अभी VFX पे काफी ज्यादा काम चल रहा है क्योंकि लोगों को थोड़ा VFX में कमी लगी है। अब चलिए बात करते हैं फिफ्थ अपडेट के बारे में, जो कि है सीक्रेट इन्वेंशन से रिलेटेड। तो ये टीवी सीरीज जो आ रही है इसकी टाइमलाइन का अपडेट है। अब काफी लोग कंफ्यूजन होंगे कि भाई इसकी टाइमलाइन कहां से इसकी स्टोरी स्टार्ट होगी, तो अपडेट और रूमर ये आ रहे हैं कि इसकी जो टाइमलाइन स्टार्ट होगी वो होगी थैनोस के स्नैप से। जब 4 साल थैनोस के स्नैप में बीत जाते हैं और जब ब्लिप वाला समय आता है, यानी कि जब हल्क दोबारा से स्नैप करता है और सब लोग जब रिटर्न होते हैं, तभी से सीक्रेट इन्वेंशन की टाइमलाइन स्टार्ट होती है। जब सब लोग एकदम वापस आ जाते हैं अर्थ पर, एकदम खाने पीने की कमी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी सीक्रेट इन्वेंशन में, जिसमें कि निक फ्यूरी खुद इस चीज़ को सॉल्व करते नजर आएंगे और जो स्कल्स हैं जो कि इंसान बन के रह रहे हैं उनका खुलासा करेंगे, क्योंकि वो अर्थ पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं और यही आने वाले टाइम में स्टोरी कंटिन्यूस करेगी सीक्रेट वॉर को लेकर। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन टीवी सीरीज को लेकर टॉप 5। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।